कौन है नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो आप एक्टिंग या मॉडलिंग वाली लाइन में किस तरह आए? आपका शौक था या एक्सीडेंटली? कभी इस प्लान नहीं था कि इस फील्ड में आना है। मैं हमेशा समझता हूँ कि आप अपने आप को बदलते हो, या तो इंस्पिरेशन से या डेस्परेशन से। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंगली ये दोनों का एक मिक्सचर था। मैं हमेशा आई वॉन्टेड टू बी इन द लाइमलाइट, ऐसा कोई प्रोफेशन, स्पेशली मैं एक एथलीट बनना चाहता था। तो मेरे ख्याल में एज ह्यूमंस, जब से हम छोटे होते हैं, हमें एक प्राइमरी नीड होती है कि हमें लोग चाहें, हमें हमारे काम को देखा जाए और हमें मोहब्बत मिले, लव मिले और अप्रिशिएशन मिले। तो थोड़ा अगेंस्ट द नॉर्म्स था एक फीमेल ओरिएंटेड फील्ड में जाना, जो कि मॉडलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर एक्टिंग भी, मेरी फैमिली के अंदर कोई भी एक्टर या क्रिएटिव लोग हैं लेकिन एक्टर कोई नहीं था। तो हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहता था, और हम जो भी कर लें, जितनी भी हम कोशिश कर लें, आपकी जो मंजिल है वो आपको ढूंढ के छोड़ती है। तो एक्टिंग और क्रिकेटर होने में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुमरा है। मेरा सवाल आपसे है कि अभी रिसेंट ड्रामा जो है कभी मैं कभी तुम बहुत फेमस जा रहा है, क्या आपने वो जो ड्रामा है स्क्रिप्ट देख के हाँ की थी या कास्ट देखकर? हाँ, मैं इसके बारे में एक मजे की आपको स्टोरी बताता हूँ। 2022 के सितंबर में बदर महमूद जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे रोल पिच किया था। उस वक्त जो सिनारियो था वो थोड़ा डिफरेंट था, हम फिल्म की तरफ जा रहे थे, रिलीज की तरफ जा रहे थे, तो मैं वहाँ पे ऑक्यूपाइड था। और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया कोई 15 महीने बाद। उस वक्त उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या स्टेटस है, तो मैंने कहा बदर चले थैंक यू सो मच, आपने मुझे कंसिडर किया। तो बदर कहते हैं कि मैंने सिर्फ आपको कंसिडर नहीं किया, मैंने आपका इंतजार भी किया है। वाह वाह वाह। तो मैंने उनसे पूछा कि बाकी कास्ट जो छोटा भाई है वो कौन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी से मेंशन ना कीजिएगा, फहद मुस्तफा ये रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने उसी वक्त कहा कि चले बदर भाई, मैं इन हूँ, मुझे पता है कि ये स्क्रिप्ट भी अच्छा होगा अगर फहद ने इसका इंतखाब किया है, क्योंकि मैं फहद को एज ए प्रोड्यूसर की हैसियत से पहले जानता था, लेकिन एक्टिंग हम दोनों ने साथ नहीं की हुई थी। फहद मेरे बहुत बड़े हीरो हैं, उनकी वजह से इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस मेरे लिए एक एक्टर बनने के लिए। एक वो था, एक शौक था उनके साथ करने का काम। और फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो इतना ये डिटेल में था, इतनी जो डिसफंक्शनल फैमिली की डिटेल्स और रिलेशनशिप्स के अंदर जो इख्तलाफात थे, मुझे बहुत उन्होंने इंस्पायर किया। और अदील जो है मेरे लिए बहुत चैलेंज के तौर पर मेरे सामने आया। तो बहुत से कंपोनेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने मुझे इसको आमादा किया, इस रोल को लेने के लिए। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरम है और मेरा सवाल सर से है, क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आप स्टीव रॉजर कैप्टन अमेरिका जैसे लगते हैं? ओए होए ओए होए, आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बात है, और थैंकफुली उन्होंने यही कहा कि आपकी शक्ल कैप्टन अमेरिका से मिलती है, अगर कोई पाकिस्तान में होता कैप्टन तो आप फंस गए थे। तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं इमाद और सबीन आपके साथ। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर, जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। प्लीज या दे राइट है सर। और कितनी दफा आप जनरल नॉलेज पे जाते हैं ये आप लोगों के ऊपर होगा। ओके ठीक है, तो आप इसे पहले कौन खेलना चाहेगा? आपकी मर्जी। चले, सबीन ने कहा कि मैं पहले होंगी। सबीन ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी खातून करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान और हानिया आमिर। दोनों बहुत फेवरेट है। हानिया हानिया करेंगी लेकिन ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर होंगी, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं निदा यासिर, नादिया खान और मदीहा नकवी। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी निदा। स्माइल किन को दे रही है? मदीहा। और किसका फ्लोर आ गया है? तीसरी कौन बची? नादिया खान। चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, आप किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी। ऑल दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और हमजा अब्बासी। आई थिंक फवाद। फवाद खान को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखती हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। किसको 12-13 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कामरान शाहिद और वसीम बदामी। किसी को भी नहीं। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी आप? हाँ। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। ये बता दीजिए, हु वाज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? हाउ वुड आई नो, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड जनरल नॉलेज। मुझे नहीं पता। अब वापस जाना चाहेंगी ओरिजिनल सवाल पे? जनरल नॉलेज। अच्छा जी, आप जब चाहे मर्जी वापस जा सकती हैं बाय द वे, ठीक है। ये बता दीजिए मैडम के पाकिस्तान सेनेट का मौजूदा डिप्टी स्पीकर जो साहब है उनका नाम क्या है?
पहले तो वो थे ना सादिक सिंजनानी साहब, अभी कौन है? डिप्टी स्पीकर. डिप्टी स्पीकर, मुझे क्या पता है डिप्टी स्पीकर कौन है. ठीक है, बस खत्म ना, फेल हो गए, पास और फेल. तीसरा भी तो आप चाहे तो भी जा सकती हैं ओरिजिनल पे वापस. नहीं जा रही, दो गलत जवाब दिए, फेल हो गई ना. नेक्स्ट क्वेश्चन ना, तो नेक्स्ट ही पे जा रहा हूं मैं. मैथ्स कम्युनिकेशन का कोई सवाल पूछ लो आप. कोई कंप्यूटर का पूछ लें कुछ. कंप्यूटर का? अरे वाह जबरदस्त, ये तो उन्होंने मेरे लिए आसान कर दिया. चलता चलाना कंप्यूटर किने का आ जाना. गूगल इस्तेमाल करती हैं? What does Google stand for? नहीं आइडिया. ठीक है, हम वापस चलेंगे. चले जी वापस चले गए हम. टाइटैनिक पे जा रही हैं, दो VIP पास हैं. किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब वफाकी वजीर अता तारड साहब. क्या बात, उन्होंने हॉस्पिटल लेके जाओ तो टाइटैनिक से लेके जा रही हैं. आप बहुत चला के टाइटैनिक पे लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो तो डूब जाएगी ना. नॉट नेसेसरी, तो डुबाने के लिए. टाइटैनिक तो डूबती है ना. टाइटैनिक लेकिन जो भी होगा वो दो एक दिन बाद ही होगा अगर हुआ तो. जनरल नॉलेज इस पे भी ओए होए तो इतना आसान था तो क्या हो गया. मैंने शुरू में कहा था हम सब इंसान हैं. नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं. परफेक्टली चलें ये बता दीजिए GPS कुछ और कंप्यूटर ना करूं. नहीं कंप्यूटर से निकल आए बाहर हम. निकल आए चलें ठीक है. क्या कोई बता दीजिए और कोई कैटेगरी आपकी फेवरेट हो. वैसे ये क्वेश्चंस पे ना आप पहले बता देंगे. नहीं नहीं मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस MGQs तैयार करके आते हैं लोग, पता होता है ना. जनरल नॉलेज वाले मैं कैसे बता सकता हूँ पहले. बताइए फिर किस किस्म का चाहिए आपको. शोबिज. पाकिस्तान टेलीविजन के पहले ड्रामे का नाम बताएं. मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब. वो तो मैं भी नहीं हुआ था. अगर टाइटैनिक पे जा सकती हैं वापस? वहाँ मैंने नहीं जाना. वहाँ नहीं जाना, वहाँ मुश्किल है. शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के कितने वजीर आजम हैं? कितने? उनको क्या पता, आप बताएं. मुझे खुद पता होता तो मैं बता देता. 27 में शायद. नहीं जी बताइए मैडम. जनरल नॉलेज पे आप अभी आ गई हैं, वहाँ पे आसानी से मैंने आपको गेट. वो आपको पता है वो सवाल आसान नहीं है. अरे वो इतना आसान वो था. बिल्कुल आसान नहीं. आसानी से निकल सकती थी. वो डूबने वाली बात पे ठीक था, मैं एक को डुबा देती लेकिन. नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ ना डुबाएं, हमें नहीं पता. सो इट्स जस्ट नहीं, मैं डुबाने के लिए तैयार हूं. अच्छा डुबाने के लिए तैयार है. अगर आप कह के जाए और डुबाने के लिए किसी को लेकर. अगर डूब रही होती तो किसका नाम लेती? अगर डूब रही होती तो मैं किसका नाम लेती? मौलाना फजलुर रहमान. ठीक है ये अगर वो होता. आखिरी सवाल, ये तो है ही मेरा पेटेंट सवाल है. तो आई वाज ओके विद. डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है. वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमाद इरफानी और कैसर पिया. क्या यही प्यार है. जनरल नॉलेज. इनको डूबने देना, इनको बचा देना. जो भी है कैसे उन्होंने लाइफ जैकेट ले ली है. और इमाद ने, और मेरे ख्याल से बनती भी उन्हीं की थी. बात जो सच थी मेरी तो दूसरी लेदर वाली नहीं बनती. जी इमाद साहब आपकी बारी है. सर बड़ा मुश्किल वैसे सेगमेंट है. सर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी, आप क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें कौन सा एक्टर करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिश तैमूर, वहाज अली और मिकाल जुल्फिकार. आई थिंक शक्लो सूरत के जो करीब होगा वो मिकाल होगा. तो मिकाल मिकाल होंगे. सर ये बता दीजिए लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा, फवाद खान और हुमायूं सईद. एक को स्माइल पास करनी है, एक के साथ सेल्फी और एक को कह रहे हैं कि प्लीज. का फ्लोर आ गया. अच्छा जी नॉलेज. जो उन्होंने देखा आपके साथ होते हैं वो कभी भी नहीं जाएंगे मुझे लगता है. अच्छा फवाद के साथ सेल्फी ले लूंगा. स्माइल किनको दे रहे? फवाद को हंस के देख लूंगा और हुमायूं भाई को कहूंगा प्लीज आपका फ्लोर आ गया, जो कि असल में आ गया होगा. ठीक है ये बताइए चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकते हैं? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे. ऑल्दो यू विल कम बैक. किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास है ताबिश हाशमी और इमरान अशरफ. आई थिंक इमरान इतना अच्छा एक्टर है कि वो चांद सितारे डिजर्व करते हैं तो उसको छोड़ देंगे. लॉन्ग फ्लाइट पे आप भी, साथ वाली सीट खाली, देखते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि साथ बैठ जाए आपके. किसको साथ बैठाना चाहेंगे? 12-13 घंटे का सफर है आपका. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदोस आशिक अवान और करीना कपूर. करीना कपूर ये तो इतना आसान था वैसे. अच्छा ठीक है ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं. अच्छा दो VIP पास हैं, किसके साथ टाइटैनिक पे जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं कुबरा खान, महविश हयात और सबा कमर. महविश हयात. महविश हयात होंगी वो डूबती कश्ती में सवार. दो लाइफ जैकेट्स आपके भी पास, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और सबीन फारूक. सिंस इन्होंने मुझे बचाया था अभी,
यानी इन्होंने मुझे लाइफ जैकेट दी थी ना, तो मैं वो फेवर वापस इनको दे देता हूँ और इनको मैं लाइफ जैकेट दे देता हूँ। ठीक है, लाइफ जैकेट इनको दे दिया।